हेलो एवरीवन, नमस्ते डॉग दिन छू। आप लोग कैसे हो? और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और आज मैं बना रही हूँ बहुत टेस्टी इडली और सांभर और चटनी, उसका रेसिपी मैंने वीडियो बना रही हूँ और अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। सो प्लीज़ सब लोग देखते रहना और सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग को कैसे रेसिपी का कैसा लग रहा है। ये मैंने चावल दाल को मैंने पूरा भिगाया है अच्छे से घर पे, प्योर इडली और सांभर बनाने के लिए पूरा रेसिपी मैंने इस वीडियो में डाला है। और ये 6 कटोरी ये चावल है और 2 कटोरी दाल है और इसको अच्छे से धो देंगे और 1-2 घंटे तक इसको भिगा देंगे जिससे अच्छे से भीग जाएगा। उसके बाद हम इसको पानी में भिगो देंगे तो उसके बाद ये तैयार हो गया है। भीग के तो हमने इसको अच्छे से पीस दिया है, पूरा बहुत सारा है, इसको अच्छे से पीस दिया। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ठीक ठीक जो मुंह में भी आए, खाने में स्वादिष्ट लगे कि ये चावल का बना है। और ये हम दाल, चने का दाल भून रहे हैं चटनी के लिए, जब तक वो थोड़ा सांभर के वो उसके लिए। और ये चने भी भून लिया चटनी के लिए, जब तक हो रहा है ये तब तक हम दाल बना देते हैं साथ ही साथ और इसको चढ़ा देंगे क्योंकि टाइम हो रहा है खाने का। और मैंने ये नारियल ले लिया था और उसके बाद तेल डालेंगे हम और उसके बाद ये हम सारी सब्जियां हम डाल देंगे। फिर बहुत सारे सब्जियां हैं मैंने काट के क्योंकि शरीर में जाएगा तो और अच्छा है और खाने भी स्वादिष्ट होता है, इसीलिए सारे सब्जियां हैं। और हमने इसमें तेल में जखिया डाल दिया छौंके में और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और ये हम कड़ी पत्ता डाल रहे हैं जो कि मेरे गार्डन का है। और ये सारे सब्जियां पक गए हैं अच्छे से और उसके बाद हम चटनी की तैयारी करेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है देख के खुशबू। तो ये सारे हैं पूरे सामान, मूंगफली और चने की दाल और ये नारियल और चटपटा मिर्ची और चटपटा स्वादिष्ट लेके और खाएंगे हम। और थोड़ा नमक डाल देंगे हम साथ ही साथ और पानी भी डाल देंगे जो अच्छे से पीस जाए, थोड़ा और पानी डाल देंगे क्योंकि बहुत ड्राई हो जाता है। और इसको अच्छे से पीस देंगे हम, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चना थोड़ा ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे क्योंकि बहुत ड्राई हो रहा है। अच्छे से पीस देंगे और ये हो गया तैयार चटनी, स्वादिष्ट चटपटा चटनी मुंह में जाते ही करके आवाज आए। आप लोग भी ट्राई करना और की आवाज़ ज़रूर निकालना। और ये हम एक बोल में डाल दिया है क्योंकि बहुत सारा है तो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये सारी सब्जियां रेडी हो गए हैं और ये दाल भी रेडी हो गया तो हम डाल देते हैं सांभर के लिए। और ये रेडी हो चुका है और
ये सारे डाल दिया और साथ में पानी भी डाल देंगे और तैयार हो चुका है। और हमारा पेट में चूहे कूद रहा है तो हम छुक्का लगाते हुए फटाफट, और छुक्का लग चुका है और ये सांभर में भी लग चुका है। उसके बाद हमारा इडली भी तैयार हो रहा है और हमने ये सारे मसाले डाल दिए। ये सांभर सांभर के लिए हो गया, ये इडली हम बना रहे हैं साथ ही साथ। और सारे ये डाल लिया हमने सामान, और 15 मिनट्स में हमारा रेडी हो चुका है, हो जाएगा। फिर हम खाएंगे हाँ चाट के, उंगली चाट के करके, और बहुत देख टेस्टी। सकते हो आप कितना टेस्टी लग रहा है। वाव हेलो नमस्ते डोगडिन छु अनि तपाईँहरू कस्तो छौ? अरू तपाईँहरूले मलाई सब्सक्राइब भी गरे छैन और कमेन्ट भी गर्दैन। फेरि मैले मिठो मिठो खाना बनाउँछु, तपाईँहरूले कसरी देख्ला? और प्लिज मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिहाल्नु। अरू आज मैले बनाएछु इडली साम्बार, तपाईँहरू पुरा भिडियो देख्नुहोला।